मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। श्रीमान जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम, इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है कभी 5%, कभी 6%, कभी 7% जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम, इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए बरसब प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी।